हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कमलेश और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमको यूट्यूब पर लाइव करना है और कैसे लाइव स्ट्रीम को OBS से कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको आपका चैनल को ओपन करना है। चैनल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा गो लाइव का, ठीक है। देखिए, क्रिएट पर क्लिक करके मैंने गो लाइव के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। देन आपको यहाँ पर देखिए स्टूडियो स्ट्रीम पे क्लिक करना है। तो जो भी आपकी क्लास है उसका नाम रख देना है, टेस्टिंग 3, ठीक है। यहाँ पे आपको जो आपकी क्लास है या फिर जो भी आप लाइव करना चाहते हैं, जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। यहाँ पे थंबनेल अपडेट कर दीजिए। यहाँ से प्लेलिस्ट अगर है आप और उस पर बनाना चाहते हैं वीडियो, उसका टेस्टिंग, मान लो मैंने टेस्टिंग पे एक प्लेलिस्ट बना ली, डन कर दिया। देन हम यहाँ पे क्लिक करना है नो इट्स नॉट मेड फॉर क्लिक, क्लिक नेक्स्ट। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आके आपको आपके जितने भी जो लाइव है आपको टाइमिंग सेट कर देना है। तो मान लीजिए मेरी 8 बजे लाइव है, तो मैंने सिलेक्ट कर दिया टाइम और उसको डन कर दिया, ठीक है। इतना करने के बाद आपकी लाइव स्ट्रीम रेडी हो जाएगी, ठीक है। इतना करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो स्ट्रीम का ऑप्शन दिया हुआ है उसका प्रॉपर सिलेक्ट करें। मान लो जो मेरी लाइव है, लेट अज्यूम नीट के क्रैश कोर्स की है, तो मैं नीट के क्रैश कोर्स को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। मान लो तो मेरे टीचर है विकास सर, अगर वो लाइव मेरे लेंगे तो मैंने उनको यहाँ पे वाली स्ट्रीम में सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। या फिर कनिका मैम के जो भी है मैं सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ से। अभी हम नीट रहना चाहते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आपकी जो स्ट्रीम है वो रेडी हो जाएगी। अब आपको क्या करना है कि आपका जो टीचर है नीट का वो कहीं और से लाइव कर रहे हैं, तो उनके OBS में हमको स्ट्रीम को सेटअप करना है। तो मैं कॉपी कर लूँगा जो OBS है, OBS को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। OBS को मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा OBS है। अब टीचर के OBS में जाना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, यूट्यूब पार्टी MPS, यहाँ पे यूज स्ट्रीम की, ठीक है। यहाँ पे आपको आपकी जो स्ट्रीम की उसको पेस्ट कर देना है और अप्लाई पे क्लिक करके ओके कर देना, ठीक है। इस तरीके से जो आपकी जो आपने लाइव क्रिएट की थी वो आपके टीचर के OBS के साथ कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐसा आपको बार बार नहीं करना है, स्ट्रीम की तो एक बार ही क्रिएट होती है। तो मान लो अगर अगले दिन फिर अगली क्लास है तो सेम स्ट्रीम की आप सेलेक्ट कर लीजिए लाइव क्रिएट करते टाइम, तो आपका काम हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है। ये तो मेरा मान लो आज लाइव मैंने कर लिया, ठीक है। फिर कल फिर मेरा एक लाइव है, तो मैं अगेन शेयर स्ट्रीम क्लिक करूँगा, ठीक है। नो मेड फॉर किड्स, लाइव क्रिएट हो गई। अब मुझे स्ट्रीम की सिलेक्ट करना है कि कल मेरी लाइव करेगा कौन, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा नीट क्लास, ठीक है। यहाँ से नीट क्लास को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब जो नीट की एक क्लास है वो आज शाम को होगी, एक कल होगी, मतलब सेम स्ट्रीम की थ्रू वो दोनों क्लास चलेगी, ठीक है। ऐसे आपको अलग अलग फैकल्टी की स्ट्रीम क्लास बना लेनी है, स्ट्रीम की बना लेनी है कनिका मैम विकास सर, ठीक है। इस तरीके से अब आप बोलेंगे कि लाइव कैसे करना है, तो लाइव करने के लिए आपको सिंपल से यहाँ पे क्लिक करना है स्ट्रीम के ऊपर और यहाँ पे वेट करना है। क्या वेट करना है, जब टीचर स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक करेगा, मान लो ये स्टार्ट स्ट्रीमिंग है ना, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, टीचर स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक करेगा और अगर उसकी स्ट्रीम की OBS प्रॉपरली कनेक्टेड है तो यहाँ पे एक्सलेंट कनेक्शन या फिर कनेक्शन का नेम आ जाएगा, मतलब किस तरह का कनेक्शन आपसे आ रहा है, मतलब ठीक है किस तरह का कनेक्शन आ रहा है वो वहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे ग्रीन कलर का साइन दिखाया जाएगा, जो बटन है ना ये बुलेट पॉइंट दिख रहा है या ग्रीन कलर का हो जाएगा। देन आप यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो वो यूट्यूब पे लाइव हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से यूट्यूब पे लाइव होता है। तो अब ये बोलेंगे कि आप ये आता कैसे हैं, तो एक बार मैं बता देता हूँ। क्लिक ऑन योर चैनल, ठीक है। फिर यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक करना है,
ये तो स्कोर क्लिक नहीं भी करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा प्लस बटन, बोला है। और यहाँ पे देखो सारे लाइव आ गए, बस अब जिसको भी लाइव करना है उसको ओपन कर लो और फीचर के रेडी करने का वेट करो, बस ओके करने का, मतलब स्टार्ट स्ट्रीमिंग क्लिक करने का, बस यहाँ पे आएगा फिर गोलाइव पे क्लिक कर देना एंड गोलाइव। ठीक, ये हो गया गोलाइव कैसे करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको किसी को आपके यूट्यूब चैनल का एक्सेस देना है। तो यूट्यूब चैनल का एक्सेस देने के लिए आपको यूट्यूब स्टूडियो पर जाना है, देन आपको क्लिक करना है सेटिंग पे, यहाँ पे परमिशन का ऑप्शन होगा, परमिशन पे क्लिक करना है, परमिशन देन इनवाइट, जिसको भी आपको इनवाइट करना है आप इनवाइट कर लीजिए, मेल आईडी डाल लीजिए, देन यहाँ पे जो भी एक्सेस आप देना चाहते हैं, मैनेजर, एडिटर, एडिटर लिमिटेड, सब टाइटल, ठीक है, व्यूअर आप दे सकते हैं, एडिटर दे दीजिएगा तो सही है बस, और आप उसको डन कर दीजिए। देन अगर सामने वाले के पास मेल जाएगा, उस मेल को एक्सेप्ट करेंगे और वो एक्सेस कर पाएंगे चैनल को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यूट्यूब पर लाइव करना है, स्ट्रीम के थ्रू वो भी इसको कनेक्ट करना है और दोस्तों को एक्सेस देना है, ठीक है। तो इतने था वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।